Hello friends, welcome back. Today we are going to discuss a very general topic but very important topic. It is all about company law. Like many of the students think that company law mein kam marks kyun aate hain. What are the reasons behind students not clearing their exams due to company law? Now ek bahut bada myth hai ki company law bahut difficult subject hota hai and all. Aisa kuch nahi, it is all depending upon the way you plan. Tumhara planning hi tumko is subject mein zyada marks dila sakta hai. और तुम्हारा प्लान ना करना इस सब्जेक्ट में तुम्हें डेफिनेटली कम मार्क्स दिलाएगा, बराबर? सो बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट्स ओनली आज मैं तुम लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा. विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन इजीली स्कोर 70 प्लस. नाउ व्हाई एम आई सेइंग 70 प्लस एंड व्हाई एम आई नॉट सेइंग 60 प्लस इज कि हम लोग अगर थोड़ा ज्यादा टारगेट करेंगे ना, क्या 70 सोचा है तो मुश्किल से 60 जितना तो आराम से आ जाएगा. बट अगर मैं 60 के बारे में डायरेक्टली बताऊंगा तो हो सकता है हम लोग 50 पे एंड अप हो जाए. बिकॉज मैंने किया हुआ है, इट इज नॉट नेसेसरी कि तुम लोग ने भी कर लिया होगा, बराबर? सो तुम लोग को शायद एक एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दिया जाए ताकि थोड़ा ज्यादा टारगेट करे एंड वी गेट एटलीस्ट सफिशियंट मार्क्स के कंपनी लॉ अच्छे से क्लियर हो जाए. ना तुम लोग ने हमेशा सुना रहेगा कंपनी लॉ बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत डिफिकल्ट होता है, केस लॉ से भरा हुआ होता है, स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं आते, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, सो मेनी अदर थिंग्स. बट इसमें एक चीज हमेशा कॉमन होती है कि तुम्हारा अप्रोच क्या है एग्जाम के लिए, हाउ यू डील विद द सब्जेक्ट. सिर्फ पढ़ने से नहीं होता. इफ यू गो थ्रू द 23 चैप्टर्स ऑफ अवर कंपनी लॉ, जो पहले 34 थे, न्यू सिलेबस में अभी 23 हो गए. सो इट इज वेरी रिलीफ फॉर द स्टूडेंट्स के इंस्टेड ऑफ 34 अभी सिर्फ हम लोग 23 चैप्टर्स पढ़ रहे हैं. बट ये 23 चैप्टर्स को भी डिवाइड किया गया है तीन सेगमेंट में, जो और भी बहुत अच्छी बात है. पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, जो मैं मेरे लेटर वाले सेगमेंट में डिस्कस करूंगा कि पार्ट ए कैसा है, पार्ट बी कैसा है, पार्ट सी कैसा है. It is all divided into three category of marks. जैसे कि part A, certain number of chapters with certain number of marks. जैसे कि for example, part A में 14 chapters है, which carries 50 marks. Part B में 6 chapters है, which carries 40 marks. And part C में सिर्फ 3 chapters है, which carries 10 marks. So it is all about your planning. कि तुम किस तरह step by step plan करते हो, and किस तरह तुमको तुम्हारे marks achieve करते हो. बराबर? सो हाउ टू स्कोर कंपनी लॉ में 70 प्लस का सबसे पहला चीज में अगर मैं डिस्कस करना चाहूंगा तो की पॉइंट्स के व्हाट इज द मेन की पॉइंट ऑफ द सब्जेक्ट टू स्कोर गुड मार्क्स. सबसे पहला पॉइंट आएगा अपना अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली. बिकॉज कंपनी लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही सारी चीजें रखता है अंदर. इफ आई से फॉर एग्जाम्पल एक डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाला शेयर मुझे इश्यू करना है, देर आर मेनी कंडीशंस इनसाइड इट. There are so many provisions which are to be followed. लेकिन क्या अपने को हर एक चीज पता होती है? हम लोग हर एक चीज रट्टा मारने जाएंगे तो खत्म हो जाएगा, हम लोग कर ही नहीं पाएंगे. बिकॉज एक कॉन्सेप्ट तुम लोग रट्टा मार सकते हो. सारे सेक्शन है, देर आर 470 सेक्शन इन कंपनीज एक्ट. ये सारे सेक्शन कैसे रट्टे मारोगे? और ऐसे कॉन्सेप्ट में तो कितनी सारी कंडीशन सिमिलर निकलती है. मतलब कुछ कंडीशन यहां पर भी सेम निकलेगी, कुछ कंडीशन दूसरी जगह पे भी सेम निकलेगी, तो क्या करोगे? So, ऐसे क्वेश्चंस पॉसिबल है यहाँ पे कि तुम लोग को आएंगे. दैट इज वाई हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रॉपर फोकस रखने का. वंस यू नो द कॉन्सेप्ट कि हाँ इस कॉन्सेप्ट में पूछा क्या जाता है, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग. कि इफ यू नो कि हाँ इसमें मुझे ये आंसर लिखना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं स्मॉल कंपनी के बारे में, नाउ सेक्शन 2 सब सेक्शन 85 बोलता है स्मॉल कंपनी. स्मॉल कंपनी मतलब कैसा कंपनी? जो हमेशा एक प्राइवेट कंपनी होता है. नाउ मेनी अ टाइम स्टूडेंट से स्मॉल कंपनी वो कंपनी होता है जो लार्ज नहीं होता. अरे व्हाट इज लार्ज कंपनी? किधर से आया लार्ज कंपनी? पूरे कंपनीज एक्ट का बुक छान मारो, लार्ज कंपनी नाम का कोई चीज नहीं है. दूसरा मुझे सुनने में आता है स्मॉल कंपनी वो कंपनी होता है जिसके शेयर होल्डर्स स्मॉल होते हैं, जैसे कि स्मॉल शेयर होल्डर्स. ये भी मिथ है पूरा, ये भी गलत है. स्मॉल शेयर होल्डर्स और स्मॉल कंपनी इसका कुछ लेना देना ही नहीं है. बट स्टूडेंट्स सिंस दे आर नॉट क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं. दैट इज व्हाई फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग हमेशा ध्यान देने का कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. हम लोग ने अक्सर सुना रहेगा कि कंपनी लॉ में सिचुएशनल क्वेश्चंस आते हैं. ना वो सिचुएशन क्या होती है? एक आध पॉइंट उठा के डाल देंगे अंदर एंड तुमको वो चीज पता होगी, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आंसर. खाली पैटर्न में आंसर लिखना होता है हाउ टू सॉल्व केस स्टडी. इफ यू नो हाउ टू सॉल्व केस स्टडी, इट इज वेरी इजी फॉर यू टू आंसर. सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट, मेन प्रोविजन, मेन सेक्शन उसका याद रखना है कि उसमें क्या बोला गया था, एंड जस्ट बेसिक सा अच्छा राइटिंग स्किल होना चाहिए, दैट्स इट. मैं एकदम भी हाई फंडू लॉ लैंग्वेज के बारे में नहीं बोलूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर मिडिल लेवल स्टूडेंट्स. मतलब जो हाई लेवल के नहीं है, जो लॉ बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, उन लोग के लिए डिफिकल्ट है लॉ लैंग्वेज में लिखना कुछ वर्ड्स. जैसे कि अक्सर मैं बोलता हूं कि अकॉर्डिंग टू, वी यूज दिस वर्ड रेगुलरली, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू मी,
अकॉर्डिंग टू, इसके जगह पे हम लोग यूज कर सकते पर्सुअंट टू, इन अकॉर्डेंस विथ, ऐसे हम लोग स्टेटमेंट्स फ्रेम कर सकते हैं. नाउ मेनी अ टाइम्स आंसर लिखने के लिए राइटिंग स्किल्स भी इंपॉर्टेंट होता है, बट सबसे पहले इफ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट, क्या काम का तुम्हारा राइटिंग स्किल. दैट इज व्हाई पहले पॉइंट पे मैं हमेशा रखता हूं कि यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स करेक्टली. एक बार तुम्हारा कॉन्सेप्ट के ऊपर से ध्यान हट गया कि हाँ मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुका है, नाउ आई डोंट नीड टू बॉदर, नेक्स्ट चीज ध्यान में रखना है तुम लोग को वे तुम्हारा सेक्शंस इन कंपनीज एक्ट. और सेक्शंस एक ऐसा चीज है जो तुम मार्क्स दिलाएगा भी और मार्क्स तोड़ेगा भी. नाउ क्यों मार्क्स दिलाएगा, बिकॉज अगर राइट सेक्शन कोट कर लिया सीधा एक मार्क उसका कंसिडर कर लिया जाता है, लेकिन अगर रॉन्ग कोट किया ना तो रॉन्ग सेक्शन के सामने राइट प्रोविजन मैच नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 63 बोलता है इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स. नाउ तुम लिखोगे सेक्शन 63 लेकिन एक्सप्लेन करके आओगे राइट्स इश्यू, मैच होने वाला है क्या? क्वेश्चन था बोनस का, क्वेश्चन था बोनस का, तुमने लिखा सेक्शन बराबर, हाँ सेक्शन 63 बोनस का, लेकिन प्रोविजन में राइट्स के प्रोविजन लिख के आगे, क्या फायदा, वो सेक्शन का कोई मार्क देगा? नहीं. तुमने राइट सेक्शन बोलते हुए भी रॉन्ग एक्सप्लेनेशन दे दिया. दैट इज वाई सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जितने हो सकते हैं उतने याद रखने हैं सेक्शंस. सेकेंड पार्ट आता है अपना ई फॉर्म्स. देर आर अप्रोक्सीमेटली 80 ई फॉर्म्स अंडर कंपनीज एक्ट. नाउ स्लोली स्टेडीली जब तुम प्रोसीजर पढ़ते हो, जब तुम कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, तो फॉर्म्स कहीं ना कहीं आते रहते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना होता है ई फॉर्म PAS 3 में ROC को नॉर्मली विद इन 30 डेज. नाउ इसमें एक और चीज आता है, यही रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए कितने दिन में करते हैं हम लोग? 15 डेज में. सी तुम लोग के अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो तुम लोग इजिली आंसर को याद रख पाओगे. दैट इज वाई सेक्शन के ऊपर टारगेट करने का. एंड इफ यू डोंट नो द सेक्शन देन वॉट सर, अगर तुम पूछोगे सर इतने सारे सेक्शन है अगर भूल गए तो क्या, एक सिंपल सा ट्रिक है हाउ टू स्टार्ट द आंसर. मार्क करना मैं बोल रहा हूं, अगर तुम्हें सेक्शन नहीं पता देन इस तरह तुम्हारा आंसर का शुरुआत होना चाहिए. लिसन, अकॉर्डिंग टू द पर्सुअंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, या तो एज पर द एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, बस इतना ही लिखना है. एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, एंड तुम्हारा जो प्रोविजन तुम्हें याद है वो स्टार्ट कर दो, अच्छा लगेगा. इट विल बी प्रेजेंटेबल. जरूरी नहीं है कि अंडर सेक्शन 69, अंडर सेक्शन 70, अंडर सेक्शन 71, नहीं, कभी ऐसा नहीं लिखते. देयर इज ऑलवेज अ स्टेटमेंट टू बी फॉर्मड व्हेन यू राइट द आंसर. बराबर, दैट इज व्हाई सेक्शंस के ऊपर टारगेट करना. और अगर ना आए तो मैंने तुम्हें बताया कि तुमको क्या यूज करना चाहिए. नेक्स्ट इज मेक शॉर्ट नोट्स. सबसे बड़ा एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कॉन्सेप्ट्स के साथ कनेक्टेड है वो है तुम्हारा शॉर्ट नोट्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट नोट्स? मॉड्यूल में हम देखते हैं कि काफी सारा थियोरी दिया होता है, अभी इसमें से कितना पढ़ेंगे, कितने पार्ट का अपना आंसर होना चाहिए, क्या ये अपने को पता है? नहीं. सो रादर देन स्टडिंग द होल बल्क ऑफ थियोरी, हम लोग क्या करने चाहिए, हर एक पॉइंट में से कुछ ना कुछ शॉर्ट नोट बनाना चाहिए. नाउ शॉर्ट नोट मतलब सर कितना शॉर्ट? अगर मैं बोलूं कि 100% तुम्हारा मॉड्यूल है तो मॉड्यूल का सारा कंटेंट तुम्हारा 25-30% में कवर हो जाना चाहिए. व्हेन यू मेक सच शॉर्ट नोट्स, 25-30% में तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए. क्या यू जस्ट मेंशनड 25-30% ऑफ द पार्ट, बट पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रेडी है, मतलब अनवांटेड चीजें हटा देने किसी भी. वैसे भी तुम लोग का आंसर अगर मैं 4 मार्क का बोलूं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 पेज इनफ हो जाता है, एंड अगर सपोज 6-8 मार्क के लिया है तो 2 पेज इनफ हो जाता है. अभी मॉड्यूल में यू विल फाइंड सर्टन पैराग्राफ जो एक एक पेजेस के होते हैं, वो तो प्रिंटेड होता है. अगर ये लिखने बैठेंगे हम लोग तो कितना टाइम जाएगा, इतना टाइम नहीं है अपने पास एग्जाम में, पेपर इज गोइंग टू बी वेरी लेंथी. दैट इज व्हाई हमेशा शॉर्ट नोट्स के ऊपर टारगेट करना. शॉर्ट नोट्स अच्छे बने होंगे, याद जल्दी रख पाओगे प्रॉपरली लिख पाओगे. ठीक है, दैट इज व्हाई ऑलवेज फोकस ऑन शॉर्ट नोट्स. एंड लास्ट पॉइंट आएगा अपना राइटिंग स्किल्स, जो मैं अब तक बोल नहीं रहा था तुम्हें. राइटिंग स्किल्स, सर राइटिंग स्किल्स क्या? कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक सा लीगल वर्ड्स होता है, जिसको अभी मैंने बोल रहा था तुम लोग को कि परसुअन टू हो गया, अकॉर्डिंग की जगह पे अकॉर्डेंस यूज किया, कंडीशन नहीं प्रोविजन यूज किया, ऐसे सारे वर्ड्स मिलके लॉ लैंग्वेज रेडी कर देता है. प्लस बहुत बार राइटिंग स्किल्स में हम लोग कंफ्यूज हो जाते क्या हम लोग कहना चाहते और क्या हम लोग एक्सप्लेन करना चाहते. एक वर्ड होता है मे, दूसरा वर्ड होता है शाल. नाउ देर आर सो मेनी स्टेटमेंट्स जहां पे वर्ड मे लिखा जाता है, एंड देर आर सो मेनी स्टेटमेंट्स जहां पे वर्ड शाल लिखा जाता है. अगर मे की जगह पे शाल लिख दोगे गलत हो जाएगा, शाल की जगह पे मे लिख दोगे गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि मे का मतलब है इट इज ऑप्शनल ऑन द कंपनी. बराबर, कि अगर कंपनी को करना है
तो वो कर सकती है, मे इट इज ऑप्शनल, बट अगर मैं बोलू शाल मतलब करना ही पड़ेगा, दे हैव नो अदर ऑप्शन, इट इज कंपल्सरी, इट इज मैंडेटरी फॉर देम, बराबर। दैट इज वाई अपने चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो फोकस करने अपने को, फर्स्ट इज अंडरस्टैंड की कॉन्सेप्ट्स, देन सेकंड इज सेक्शंस याद रखो, गलत कोट मत करना कभी भी, याद है तो ठीक है बट नेवर कोट रॉन्ग सेक्शंस। नेक्स्ट इज शॉर्ट नोट्स बनाओ, बहुत काम में आएगी ये चीज, मैंने क्लियर किया है सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएस प्रोफेशनल, मुझे पता है कि शॉर्ट नोट्स एट द एंड लास्ट डे पे रिवीजन करने को कितना काम में आता है। इफ यू थिंक कैन यू रिवाइज दिस होल मॉड्यूल इन दैट 10 आवर्स ऑफ टाइम स्पैन जो अपने को एग्जाम के बीच में मिलता है, तुम लोग ने सुना रहेगा छुट्टी वुट्टी तो कुछ मिलता नहीं अपने को, अभी बहुत सारे जन ने आवाज उठाई थी रिसेंटली, बट क्या कुछ हुआ नहीं, आईसीएसआई ने सामने मना कर दिया कि नहीं भाई हम तुम्हें कोई छुट्टी नहीं देंगे। दैट इज वाई डू यू थिंक दैट वो 10 से 12 घंटे के स्लॉट में इतना सारा पढ़ के हो सकता है, सॉरी नहीं हो सकता। दैट इज वाई शॉर्ट नोट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तुम्हारा फटाफट गिव अप हो जाता है वहां पे, हम लोग को ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, देखा फटाफट या डन निकल जाते हम लोग, बराबर। नेक्स्ट पार्ट पे मैं जाऊंगा, दैट इज स्टडी पैटर्न, राइट। स्टडी पैटर्न जो मैंने ऑलरेडी तुम लोग को बोल दिया अपना, के द कंपनीज एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, एज यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन, बराबर। पार्ट ए अपना 14 चैप्टर्स है फॉर 50 मार्क्स, पार्ट बी पे ध्यान देना सिर्फ 6 चैप्टर है और वेटेज कितना दिया है, वेटेज दिया है 40 मार्क्स का, मतलब कुछ तो सोचा रहेगा ना इंस्टीट्यूट ने, वरना 50 मार्क्स 14 चैप्टर्स के लिए और 40 मार्क्स सिर्फ 6 चैप्टर्स के लिए, डू यू थिंक वो 6 चैप्टर्स बहुत आसान होंगे या बहुत डिफिकल्ट होंगे, क्या लगता है आप लोग को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इट इज ऑल अबाउट डायरेक्टर्स एंड मीटिंग्स, और कुछ भी नहीं है वो चैप्टर में, वो पार्ट में कंप्लीटली 6 चैप्टर इज बेस्ड ऑन मीटिंग्स एंड डायरेक्टर्स, विच कैरीज मेजर इंपॉर्टेंस नॉट ओनली इन अवर सब्जेक्ट बट फ्यूचर में जब हम लोग काम करेंगे, जब हम लोग जॉब करेंगे, जब हम लोग सीएस बन जाएंगे तभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, बराबर। एंड पार्ट सी विच इज वेरी स्मॉल लाइक अ बोनस सब्जेक्ट, 3 चैप्टर का ऐसे में बोल देता हूँ बोनस सब्जेक्ट है तुम लोग के लिए, जो 10 में से तुम लोग को आराम से 7 या 8 मार्क्स दिला सकता है, और इतने इजी चैप्टर से जिसका कोई कंपेरिजन नहीं है। बट देखा जाए तो पार्ट बी विल बी बिट ट्रिकी, वहां पे ही मैक्सिमम सिचुएशनल क्वेश्चन आते हैं कि ए लिमिटेड थी, उसके डायरेक्टर्स ने ऐसा किया, ओपिनियन दो तुम्हारा कि ये सही किया कि गलत किया, ऐसे सिचुएशन बना के दे देंगे। नाउ तुम ये सब सिचुएशन राइट है कि रॉन्ग है कब आइडेंटिफाई कर पाओगे, जब एक ही चीज तुम्हारा क्लियर होगा और वो है तुम्हारा कॉन्सेप्ट, राइट। नेक्स्ट पार्ट पे मैं जाऊंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। नाउ सबसे पहला क्या है, सी सबसे बड़ा टेंशन मतलब स्टूडेंट्स पाल के बैठते केस लॉ केस लॉ केस लॉ केस लॉ, अरे क्या हर एक क्वेश्चन केस लॉ होता है क्या? सबसे पहले केस लॉ होता क्या है, केस लॉ एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो किसी हाईकोर्ट के जजमेंट से कनेक्टेड होता है। नाउ पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट हाईकोर्ट के जजमेंट के ऊपर नहीं बना है, पूरा एक्ट भी है विच कैरीज ऑन 470 सेक्शंस, उसका क्या? इधर क्या आईसीएसआई अपने को खाली हाईकोर्ट का जजमेंट पूछने को बैठा है क्या? एंड देर आर सो मेनी केसेस, तुम लोग कितना याद रखोगे, कितना भूल पाओगे, हिसाब है उसका कोई नहीं, यू कांट इवन काउंट क्या भाई एक अपने पूरे सब्जेक्ट में इतने नंबर ऑफ केस लॉज है। दैट इज वाई केस लॉज के सारे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ऐसा सोचना भी मत, इट विल बी सिचुएशनल क्वेश्चन, हाँ कंपनी ने ऐसा किया है, प्रोविजनल क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे जहां पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट टेस्ट किया जाएगा। इवन बड़े बड़े लॉयर्स की बात करूं मैं, तुम लोग को क्या लगता है बड़े बड़े लॉयर्स के मन में सारे केसेस होते हैं क्या? कभी लॉयर के ऑफिस में गए हो? यू विल फाइंड सो मेनी बुक्स। क्या तुम लोग को क्या लगता है लॉयर है मतलब सब सेक्शन उन लोग को याद है, सब केसेस उन लोग को याद है? नहीं, कोई याद नहीं रख सकता इतना सारा। दैट इज वाई प्रैक्टिकल होके सोचने का कि इतना सारा याद रखना पॉसिबल है क्या? नहीं ना, तो उसके पीछे टाइम वेस्ट करने का भी नहीं, बिकॉज सारे के सारे क्वेश्चन केस लॉ के नहीं आते। अगर मैं 100 मार्क्स की बात करूं ना तो मिनिमम 8 से लेके 15 मार्क तक के केस लॉस के क्वेश्चन आते हैं, 8 से लेके 16 मार्क तक। अगर मैं 4x4 का पैटर्न देखूं तो 8 to 16 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो केसेस से कनेक्टेड होते हैं, गिन के 3 या 4। अभी 3 या 4 के लिए तुम लोग 500 केस लॉस याद रखोगे क्या? नहीं, डोंट गो बिहाइंड इट। दैट इज वाई ये मैं हटा देने का कि सिर्फ केस लॉस के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखो। तुम जब अपना पढ़ाई करोगे, तुम जब अपने क्लासेस में कहीं पे भी पढ़ते हो, यू विल बी इन्फॉर्म्ड बाय योर रिस्पेक्टेड फैकल्टीज के, हाँ ये केस इंपॉर्टेंट है, ये केस इंपॉर्टेंट है, दे आर वेल अवेयर अबाउट द केसेस, हाँ वो कर लो। बट तुम हर एक केस के पीछे मत जाओ, बिकॉज हर एक केस नहीं पूछा जाता एग्जाम में, बराबर। नेक्स्ट पॉइंट आएगा अपना अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, कभी भी याद रखना अगर ज्यादा मार्क्स चाहिए एग्जाम में तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्टेड होने चाहिए। क्वेश्चंस मिस करोगे सीधा तुम अपॉर्चुनिटी दे रहे हो पेपर चेकर को कि भाई मुझे मार्क्स मत दो, क्यों? क्योंकि मैंने लिखा ही नहीं है। दैट इज वाई हमेशा हर एक चीज अटेम्प्ट करने की, एंड ट्राई टू मैनेज
विदिन 3 आवर्स ऑफ टाइम। देखो पेपर लेंदी होता है, 6 क्वेश्चंस होते हैं, अगर 6 क्वेश्चंस के हिसाब से मैं देखूं तो आधा घंटा यू गेट फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। टाइम मैनेज करके लिखने का होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लिख ही नहीं सकते, नहीं, इट इज पॉसिबल। लेकिन अगर फिर भी तुम लोगों को लगता है कि 100 मार्क्स का थोड़ा डिफिकल्ट है, सो टारगेट करने का 90 मार्क्स, तो कैसे भी करके 90 to 95 मार्क्स का तो अटेंड करना ही करना है, बराबर। दैट इज वाई ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इफ यू वांट टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन कंपनी लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अवॉइड कैंसलेशन। देखो ये सारी चीजें ना मार्क्स कम करती है अपना, कि तुम कैंसलेशन कम करो, हो सके उतना अच्छे से पेपर लिखो। स्टार्ट से लेके एंड तक डेकोर मेंटेन होना चाहिए। मैंने ऐसे डेकोर मतलब क्या, तुम्हारा नीटनेस, तुम्हारा हैंडराइटिंग, कलर वलर नहीं करना है, हाईलाइटर वगैरह नहीं यूज करना है, बेसिक सा ब्लू पेन यूज करो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा उसको अंडरलाइन कर दो, दैट्स इट। डोंट वेस्ट टाइम यूजिंग अ डिफरेंट कलर पेन्स, राइट। एंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर आंसर कितना लिखना है, ये स्टूडेंट्स मुझे बहुत बार पूछते कि सर आंसर कितना होना चाहिए, सर 4 मार्क के लिए आया तो कितना लिखूं, सर 5 मार्क के लिए आया तो कितना लिखूं, सर 8 मार्क के लिए आया तो कितना लिखूं। एवरेज की अगर मैं बात करूं तो 4 मार्क होगा तो एक साइड इज सफिशियंट, एक साइड जो तुम लोग लिखते हो ना दैट इज सफिशियंट। सेम भी उसका डबल कर देते, अगर 6 से 8 मार्क का क्वेश्चन है तो 1.5 और 2 साइड, दैट्स इट। लेकिन अब तुम बोलोगे सर अगर आंसर ही छोटा है तो, कोई बात नहीं, छोटा है तो छोटा लिखो ना, जबरदस्ती लंबा करने का आंसर कोई लॉजिक है क्या, नहीं। दैट इज व्हाई जितना तुमको बोला जाता है प्रोविजंस के थ्रू उतना ही लिख के आओ, चलेगा, कोई मैटर नहीं करता। मेन चीज याद रखना, इंस्टीट्यूट को क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। इंस्टीट्यूट ये नहीं सोचने वाला है कि तुमने कितना पेज भरा है, इंस्टीट्यूट ये सोचने वाला है कि तुमने कितना क्लियर कट उन लोग को आंसर बताया। सो यू शुड ऑलवेज बी गुड इन योर राइटिंग स्किल्स। क्या बताना चाहते हो तुम, सामने वाले को सीधा समझ में आना चाहिए, एग्जामिनर को ढूंढना ना पड़े कि अरे इसका आंसर किधर, इसने क्या लिखा है। एकदम सिंपल वे में लिखने का, बट इफेक्टिव होना चाहिए विद सच लीगल लैंग्वेजेस, सो दैट इट इज इजी फॉर अस टू गेट द मार्क्स। नाउ कमिंग बैक टू द लास्ट पॉइंट, अगेन लेंथ रियली मैटर्स नहीं, मैं तुम्हें प्रूफ के साथ बताऊंगा, जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। इट इज नॉट नेसेसरी कि हाँ सर ने बोला था कि इतना लिखना है, मतलब जबरदस्ती इतना ही लिखना है, नहीं, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट ने रूल बुक में नहीं लिखा कि हाँ 4 मार्क का है मतलब एक साइड लिखने का, 8 मार्क का है मतलब 2 साइड लिखने का, नहीं। ये एक जनरल प्रैक्टिस है जो फॉलो किया जाता है। बट वॉट इफ आंसर ही छोटा है तो, नाउ आई विल बी शोइंग यू इंस्टीट्यूट का पेपर सॉल्यूशन, ना ही मेरा, ना ही कोई वो इंटरनेट पे जो भी तुम्हें छोटे मोटे फैकल्टी अपना पब्लिसिटी के लिए बना देते हैं, वैसा मैं कुछ नहीं करने वाला। मैं सीधा इंस्टीट्यूट का पेपर सॉल्यूशन तुम्हारे सामने रखूंगा, सिर्फ 2 क्वेश्चन बताऊंगा तुम लोग को, दोनों क्वेश्चन सेम पार्ट के होंगे, कमेंट ऑन द फॉलोइंग के, एक का आंसर का लेंथ देखना फॉर सेम मार्क्स एंड सेम वे दूसरे के आंसर का लेंथ देखना फॉर सेम नंबर ऑफ मार्क्स। सी ये फर्स्ट पेज पे अपने को दिख रहा है द पेपर इज ऑफ जून 2017, ये कोई मैंने नहीं निकाला, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूट जो पेपर चेकर को दिया जाता है, मेरे रेफरेंसेस है वहां से मुझे मिला है, बट दिस इज द पेपर ऑफ जून 2017, थोड़ा पुराना है, बट अपने को तो खाली मतलब समझना है, डोंट थिंक के सर लेटेस्ट पेपर क्यों नहीं है, अपने को खाली इंस्टीट्यूट का पैटर्न समझना है, लेटेस्ट पेपर है कि नहीं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1, कमेंट ऑन द फॉलोइंग में सीधा क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कैन बिकम अ मेंबर इन अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्वेश्चन देखेंगे 5 मार्क्स ईच, तुम्हारे सामने ही आंसर है, कितना लाइन दिख रहा है आंसर, तुम्हारे सामने आंसर, देखो 4 लाइन में आंसर खत्म हो गया। ये मैंने लिखा है, ये तुमने लिखा है, नहीं, दिस इज द पेपर सॉल्यूशन गिवन बाय द इंस्टीट्यूट। तो यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए अपने को कि सर आंसर कितना लिखना है, नहीं, वो क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए, लेंथ मैटर करता ही नहीं है, तुम्हारे सामने प्रूफ के साथ कि अगर तुम्हारा मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दैट्स इट, उसका पूरा मार्क्स मिलेगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि तुमको आंसर भर के ही लिखना है। तो फिर सर हर एक आंसर ऐसा छोटा लिखने का, नहीं, उसके बाद का आंसर देखो। क्वेश्चन नंबर 2, सेम वे, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग अनलिस्टेड कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज। अभी मैं आंसर तो डिक्टेट नहीं करूंगा यहां पे, बट सी आंसर का शुरुआत हो रहा है, राइट, फर्स्ट 3 लाइंस का एक पैराग्राफ, देन वी हैव सर्टन पॉइंट्स, बराबर, फिर और एक पैराग्राफ है नीचे, फिर ये नेक्स्ट पेज तक जा रहा है, सी द सेकेंड स्लाइड, बराबर। सो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1B में आंसर कहां से शुरू हो रहा है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पेज से, द कंपनीज एक्ट 2013 हैज मेड प्रिपरेशन फॉर कंसोलिडेटेड अकाउंट्स मैंडेटरी फॉर ऑल द कंपनीज एंड सो एंड सो। So, उसके ऊपर वाला क्वेश्चन 5 मार्क के लिए सिर्फ 5 लाइन दिया है, एंड उसके नीचे वाला भी 5 मार्क के लिए, बट उसके लिए 4 पैराग्राफ दिया है, जो देखो नेक्स्ट पेज तक जाएगा। सी इट एंड्स ऑन पेज नंबर 2, दिख रहा है, पेज नंबर 2 के स्टार्टिंग में, जूम करता हूं थोड़ा सा, दिख रहा है, इट इज ऑन पेज नंबर 2, यहां पे अपना पॉइंट खत्म होता है। सो लेंथ कभी भी मैटर नहीं करता, मेन चीज क्या है, तुम्हारा
मेन चीज क्या है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तुमको फुल मार्क्स मिलेगा। यही सारी छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखोगे देन इट इज वेरी इजी फॉर यू टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। एंड मैक्सिमम भी कितना, 70 प्लस आराम से आता है। यू कैन ऑल्सो स्कोर एग्जेम्पशन इन योर पेपर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस। मैं सोच रहा हूँ कि अगला वीडियोस भी शायद बनाओ फॉर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड ऑल। उसके लिए भी वेट फॉर फ्यू डेज, उसका भी वीडियो आ जाएगा। ओके, थैंक यू।